हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो वीडियो है ये अगेन स्किन केयर के ऊपर है और आज मैं एक आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे किसी भी फेस टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, मींस ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, किसी भी स्किन टाइप के आपकी स्किन हो आप यूज़ कर सकते हो। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसको लगाने से आपका जो चेहरा है इंस्टेंट ब्राइट होगा। आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस दिन पर दिन ब्राइट करता जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे अभी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राई करती रहती हूँ और जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपके मेरे जो DIYs जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आपको हेल्पफुल होते होंगे और अगर आप लोग भी उसको ट्राई करते होंगे, अगर ट्राई करते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। अगर पूरा नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा? आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन करते हो ये कैसे वो कैसे, तो पूरा वीडियो देखोगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं ऐसा नहीं कहती कि क्वेश्चन ना करो, लेकिन क्वेश्चन करो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करो जो उस वीडियो में नहीं बताया गया हो। तो वीडियो के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करो तो मुझे बहुत खुशी होगी उसका आंसर देने में। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो। आप लोग मेरे वीडियोस पूरे नहीं देखते तो इस बात का थोड़ा अफसोस होता है, प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। एंड आज का वीडियो का जो मेन हीरो है, हीरो हीरोइन बोल सकते हो, वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन इस रेमेडी में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनानी है एंड इसको कैसे अपने फेस पर अप्लाई करना है कि हमारा जो स्किन है एकदम यूथफुल हो जाए और खूबसूरत दिन पर दिन खूबसूरत होता ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सारे फ्रेंड सर्कल, दोस्तों, रिश्तेदारों सब में मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि उन लोगों तक भी मेरी वीडियोस जा पाए। और वीडियो लाइक ज़रूर करना ताकि वीडियो सर्च लिस्ट में आए, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस DIY नाइट क्रीम का हीरो है ग्लिसरीन। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में हम लेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल। मैं ये क्रीम 7 डेज के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने एक चम्मच ही लिया है। और इसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैं इसी चम्मच से हाफ चम्मच लूँगी क्योंकि ग्लिसरीन बहुत थिक होता है। एंड इसके बाद लेने वाली हूँ मैं 2 विटामिन E के कैप्सूल। तो ये मैं तीन चीज़ ही लगाऊंगी इसमें और इन तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्सअप करूंगी। अभी मैं विटामिन ई के कैप्सूल को कट कर रही हूँ और कट करने के बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करूंगी। तो ये एक बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा और एक क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसमें मैंने डाला है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप सभी को पता है कि ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। अगर आप ग्लिसरीन को रेगुलर यूज़ करो तो आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी। प्लस ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई का कैप्सूल जो हमने डाला है उसके वजह से ये ज़्यादा दिनों तक स्टे कर सकता है। एंड विटामिन ई भी हमारे स्किन को सूद करने में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें एलोवेरा भी जेल है। तो एलोवेरा जेल तो आप सभी को पता है पिंपल्स के दाग तब को रिमूव करता है। एलोवेरा जेल आपके अंडर आई डार्क सर्कल जो होते हैं उसको भी ठीक करता है। तो इन तीनों का मिश्रण जो है काफ़ी अच्छा है। अब मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। कोई भी क्रीम लगाने से पहले, नाइट क्रीम हो या डे क्रीम, लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए। एंड इसके बाद मैं देखिए मैं लगा रही हूँ और ये अच्छे से लगा के मैं आराम से मैं अपने फेस पर 5 से 10 मिनट मसाज करूँगी। जितना ज़्यादा आप मसाज करोगे ना फेस पर उतना अच्छा है ताकि आपका जो फेस है वो हमेशा ब्राइट रहेगा। आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आएंगे, रिंकल्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा यूथफुल लगेगी। कितनी भी एज आपकी बढ़ती जाए लेकिन आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी स्किन को मसाज कर रही हूँ
और आप भी मसाज कर सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, आपकी स्किन काफ़ी यूथफुल दिखेगी और ब्राइट दिखेगी। आप देख सकते हो अभी मैं कोई मेकअप में नहीं हूँ, जस्ट आँखों में काजल है, एनलाइनर है, बाकी और कोई मेकअप नहीं है। फेस मेरा कितना ब्राइटन अप लग रहा है, तो मैं ये वाली ही नाइट क्रीम एवरी नाइट मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे इसको स्टोर कर दूँगी मैं, इस क्रीम को आप 7 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो। तो देखा आपने कितना इजी DIY है जी, जो सारी चीज़ें हैं वो घर में ही मिल जाती है, मोस्टली चीज़ें घर में ही, मैं जो भी बताती हूँ वो सारी चीज़ें आपको घर में ही मिलती है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कुछ बाहर से लाना भी पड़ा तो बहुत कम रेट, कम रेंज की चीज़ें होती है, बहुत कम चीज़ें होती है जो मैं आपको आपको ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बताती एक्चुअली मैं, कि जो आपको बाहर से ख़रीदना पड़े। तो इस रेमेडी को आप ट्राई कीजिए, आप 10 डेज ट्राई करके बताइए, रोज़ रात को इसको ट्राई कीजिएगा और 10 डेज ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ा। आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और जो भी अच्छा बुरा जो भी फ़र्क पड़ता हो प्लीज़ मुझे मुझे कमेंट्स किया करो, ताकि मैं अपनी अपने जो कंटेंट है, अपनी जो DIYs है, इसको और भी अच्छा सुधार लाऊं और भी उसमें अच्छा काम कर पाऊं। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरी बात समझोगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बिना लाइक किए तो जाना ही नहीं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।